दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कैमरा क्लीनिंग किट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को फटाफट से। ये प्रोडक्ट मैंने मेरे लोकल से परचेस किया है, एक कोटक के सर्विस सेंटर शोरूम से, और ये मुझे 300 कुछ रुपए में पड़ा है, लगभग 310 से 320 ऐसा कुछ था। और ये इसका स्पेसिफिकेशन है, फीचर्स है, इसमें ब्रश दिया हुआ है, क्लीनिंग के लिए दो तरह के क्लोथ दिए हुए हैं, और ये ऐसा कुछ है प्रोडक्ट का सारा स्पेसिफिकेशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका ये क्लोथ, ये एक माइक्रो फैब्रिक क्लोथ टाइप का है। दूसरा ये क्लोथ है, ये बहुत ही स्मूथ एकदम चिकने टाइप का है, जो हम ग्लास वगैरह क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं, मोस्टली स्पेक्स वगैरह को क्लीन करते हैं इससे। उसके बाद दोस्तों ये है फुसफुस, क्या कहते हैं इसको, मुझे तो नाम नहीं पता, बट ये हवा निकालता है बाहर, इससे जो भी सरफेस पे कचरा होता है वो उड़ जाता है। उसके बाद है ये क्लीनर, ये क्लीनिंग का लिक्विड है एक, इसे जो भी सरफेस को क्लीन करना है हमें, वहाँ ये लिक्विड जो है स्प्रे करके इसको क्लीन करा जा सकता है। ये है वो ब्रश जिसकी मैं बात कर रहा था, इस ब्रश से सबसे पहले तो हमें डस्ट को साफ़ कर लेना है, कोई भी सरफेस पे जहाँ डस्ट लगी है कोने वगैरह में, इससे प्रॉपरली नहीं होता है, लेकिन अभी ये दिया हुआ है तो यूज़ करना पड़ेगा। चलो अब हम अपने कैमरे के ऊपर ट्राई करके देखते हैं कि कैसा ये काम करता है प्रोडक्ट जो सारे मंगवाए हमने। तो ये मेरा कैनन का मैंने कैमरा लिया था मुंबई से सेकेंड हैंड, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन करके देखता हूँ। इसमें बहुत सारी डस्ट जमा हो गई, जो हम यूसेज करते हैं दोस्तों उसके ऊपर डिपेंड होता है कि हम कैसे एरिया में है, कैसे सरफेस पे हम इसको यूज़ कर रहे हैं, तो डस्ट उस हिसाब से जमा होती है इस पर। अगर आप बंद कमरे में और अच्छे से इसको यूज़ करें तो इतना डस्ट नहीं होता है जमा। तो जो कोने कोपचे में जो डस्ट जमा होती है, जहाँ हमारा हाथ नहीं पहुँच पाता या हम कपड़े से साफ़ नहीं कर पाते, वहाँ पर तो यहाँ से ब्रश का यूज़ करके साफ़ तो हो जाना है। और बाकी जो कंटेंट है जो साफ़ नहीं हो रहे, उसके लिए शायद फुसफुस जो दिया हुआ है उसको यूज़ करके देखेंगे, काश उससे हो जाए साफ। तो ये है वो फुसफुस, मैं करके देख लेता हूँ कि कचरा जो है उड़ता है क्या। अगर कचरा जम गया है वहाँ पर कुछ दिनों से तो मुश्किल है साफ़ होना, उसको हमें प्रॉपरली खोल के या सर्विस सेंटर भेज के ही साफ़ करवाना पड़ेगा। यहाँ फ्लैश के अंदर साइड में भी कुछ डस्ट जमा हो जाती है, क्योंकि बार बार फ्लैश खुलता है, तो हम उसको भी ऑन कर लेंगे फ्लैश को। मैंने बैटरी डाल दिया है, अभी हम करेंगे फ्लैश ऑन। यहाँ से कैमरा ऑन, सॉरी पहले से ऑन था, ये होता है फ्लैश ऑन का बटन, ये 600D है, यहाँ पर इसका फ्लैश ऑन का बटन यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ फ्लैश के अंदर में भी डस्ट घुस जाता है, जब हम चालू करते हैं बंद करते हैं तो यहाँ पर सारा डस्ट जमा होता है, इसको भी प्रॉपरली क्लीन करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। क्या होता है दोस्तों, हम लापरवाही करते जरा सी और कुछ दिनों बाद यहाँ पर डस्ट इतनी घनी जम जाती है कि इसको साफ़ करना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए जैसे टाइम मिले आपको, हफ्ते दो हफ्ते महीने भरे में आप इसको क्लीन करते रहे, ताकि आपका कैमरे की ड्यूरेबिलिटी जो है वो बनी रहे और आपका कैमरा भी चमचमाता दिखे। तो अभी हम आते हैं मेन काम पे, मैं खोल लेता हूँ इसका जो सामने का, क्या कहते हैं इसको, लेंस। यहाँ पर थोड़ा मुझे क्लीनिंग करना था, क्योंकि डस्ट जो है काफ़ी यहाँ जमा हो गई थी। ये मैंने जब फर्स्ट टाइम ख़रीदा था कैमरा, तभी मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि इसमें डस्ट है, लेकिन वो दिन चलते कुछ दिनों बाद मुझे ऑब्ज़र्व हुआ कि ये वीडियो रिकॉर्डिंग में ज़्यादा ही यहाँ पर शो हो रहा है, एक ब्लैक कलर का स्पॉट आ रहा था, वो मुझे समझ में नहीं आया ये किसकी वजह से। पहले तो हमने इसको क्लीन करके देखा, क्लीन हो गया, बट फिर भी इसके प्रिज्म पे वो स्पॉट बना हुआ था। जब मैंने इसको प्रॉपरली देखा तो अभी तक क्लीन नहीं हुआ है। अभी हम कर लेते लेंस का भी थोड़ा सा क्लीनिंग, लेंस पे भी कुछ डस्ट होगा वो भी निकल जाए तो बेहतर है। तो चलिए आउटर से तो ये साफ़ हो गया है, और आउटर से क्लीन करने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, बट इनर में जो उसका प्रॉब्लम है वहाँ पर कुछ एक स्पॉट दिखता है, मैं आपको दिखाता हूँ।
तो देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक मकड़ी के जाले के जैसा मैं आपको शो करता हूँ। देखिए ये जो है फंगस होता है दोस्तों, जब भी लेंस हम यूज़ नहीं करते या पुराना हो जाता है तो फंगस पकड़ने लगता है। ये मैंने कहीं से सुना है, मेरे कोई मतलब जो जानकार इंसान है उसने बताया था कि कैमरा ओल्ड होने के बाद ज़्यादा दिन चलता नहीं है, उसी का ये परिणाम है। मैंने सेकेंड हैंड कैमरा ख़रीदा है तो ये सब झेलना पड़ेगा ना। मैंने इसको मुंबई रिपेयर करने के लिए भेजने का ही सही समझा, और मैंने इसको जब भेजने के पहले एक बार खुद से भी ट्राई किया था कि खोल के साफ़ होता है क्या। तो सामने देख सकते हैं आप, ये मैंने इसको ट्राई किया है खोल के कि इसका अंदर कुछ अगर मकड़ी का जाला ही होगा तो साफ़ हो जाएगा अपने आप से। तो मैंने ये जो है स्क्रूज़ जो होते हैं वो उसको खोल के जो भी पार्ट मैं क्लीन कर सकता था मैंने कोशिश किया है क्लीन करने की। जब मैं इसको खोल रहा था तो मेरे पास तो प्रॉपर टूल भी नहीं थे, तो मैंने कैसे तो भी जुगाड़ करके इसको खोला। ये सब कर्तव्य जो है दोस्तों भारी पड़ सकता है, आप कृपया इससे घर पे ना करें, मैं सजेस्ट करूँगा। क्योंकि ये तो मैं अपना प्रैक्टिकल करके देख रहा था कि भाई होता है या नहीं साफ, तो मैंने करके देख लिया। आप कृपया ये सब चीज़ों को इस्तेमाल करके ऐसे खोलने की कोशिश ना करें, नहीं तो कैमरे का लेंस ख़राब भी हो सकता है। तो आज के वीडियो में यही बताना था आपको कि ये कैमरे का लेंस जो है काफ़ी सेंसिटिव होता है। इसको मैंने साफ़ करने की कोशिश तो किया, लेकिन एक बार जब फंगस पकड़ लेता है तो अपने घर पे ये साफ़ नहीं हो सकता। किट मैंने ख़रीद लिया था साफ़ करने की, इसलिए मैंने ये सब यूज़ करके देखा। अदरवाइज़ हमसे ये नहीं होता है घर पर, आपको इसको प्रॉपरली कोई ये जो सर्विस सेंटर वाले होते हैं इन्हीं के थ्रू करवाना सही रहता है। तो आप सभी को मेरा यही सजेशन है कि आप प्रॉपरली ऑथोराइज सर्विस सेंटर वालों से ही इसको सर्विस करवाएं। तो अगला वीडियो दोस्तों होने वाला है हमारा नया पार्सल, जो कि हमने लेंस मंगवाया था इन्हीं से, 1855 मैंने रिपेयर करवाया था और एक 55-250 का लेंस हमने परचेस करवाया है नया। वो वीडियो के लिए आप वेट कीजिए, वीडियो डलने वाला है जल्दी, तब तक के लिए आप इन्जॉय कीजिए। तो ये हमारा 1855 ये मैंने लगाया हुआ है 55-250, काफ़ी अच्छा काम कर रहा है इस पर।